एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाक बाहर, अब भारत की ओर से आया बड़ा बयान। जानिए भारत ने अपने बयान में क्या कहा। लगभग चार साल बाद पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर हो गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला पेरिस में एफएटीएफ की बैठक के दौरान आया। जानकारी हो कि ये बैठक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हुई। हालांकि इस बात के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि अब एफएटीएफ के इस फैसले से पाकिस्तान को विदेश फंडिंग हासिल करने में मदद मिलेगी और वो अपनी आर्थिक हालात सुधार पाएगा। वहीं अब इस मामले पर भारत की ओर से भी बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, हमने पेरिस में एफएटीएफ की बैठक के संदर्भ में पाकिस्तान से संबंधित रिपोर्ट देखी है। एफएटीएफ की जांच के फलस्वरूप पाकिस्तान को जाने माने आतंकियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 26/11 को मुंबई में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ हमलों में शामिल लोग शामिल हैं। पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। बता दें कि भारत की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और उसके संगठनों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराता है। जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से इस बात पर विचार चल रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाएगा। असल में 34 ऐसे मापदंड थे जो पाकिस्तान के लिए सेट किए गए थे। अगर उसे ग्रे लिस्ट से हटना था तो उन मापदंडों पर खरा उतरना जरूरी था। वहीं पाकिस्तान ने ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए व्यापक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए थे। उसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए एक कार्य योजना दी गई थी। हालांकि एफएटीएफ के आदेशों का पालन करने में विफल होने के कारण इस देश को इस सूची में बनाए रखा गया था। बहरहाल अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आने में सफल हो गया है। अब एफएटीएफ ने अपने जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान कुछ हद तक उन मापदंडों पर खरा उतरा है। गौरतलब है कि एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संस्था है जिसका कार्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग समेत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के लिए दूसरे खतरों को रोकने के लिए कानूनी और दूसरे कदम उठाना है। गौर हो कि एफएटीएफ की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी। शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास के लिए तक ये सीमित संस्था थी, लेकिन अमेरिका में 9/11 हमले के बाद अक्टूबर 2001 में एफएटीएफ ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया और अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी जोड़ा। इसकी ग्रे लिस्ट में होने का मतलब है कि वो देश अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ऑपरेशंस को नियंत्रण नहीं कर सकता है और उसे अंतर सरकारी निकाय एफएटीएफ द्वारा निगरानी में रखा गया है। ग्रे लिस्ट में होने से किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रतिबंधित हो जाती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।